अस्सलाम वालेकुम, मायसेल्फ शुएब हसन रज़ा फ्रॉम अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के बारे में बात करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ओवरऑल हमने प्लास्टिड के बारे में डिस्कस किया था। उसको एक तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इसी आज का जो टॉपिक है इसी टॉपिक के बेसिकली रिलेटेड है। आज हम क्लोरोप्लास्ट के अलावा जितनी भी प्लास्टिड की टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्लास्टिड को एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं हम। प्लास्टिड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो अपने अंदर जो है पिगमेंट जो है वो रखती है। पिगमेंट क्लोरोफिल हो सकते हैं, फाइकोसायनिन हो सकते हैं, इसके अलावा जेंथोफिल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स आ जाते हैं। ये प्लास्टिड जो है इनकी टाइप्स हम बेसिकली तीन कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिस्कस किया था हमने कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो अपने अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट रखती है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी कि डायग्राम के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है आउटर कवर, और इसके जो है दो आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, और इसके साथ साथ जो है इनके अंदर ग्रेना, ग्रेनम, लैमेला, थैलाकॉइड्स, ल्यूमन, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद होती हैं वो सारी हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने डिफरेंस देखा था हीमोग्लोबिन का, और इसके अंदर हमने बात की थी क्लोरोफिल की, हीमोग्लोबिन का क्लोरोफिल का क्या डिफरेंस है, और हमें नज़र आया था कि प्लांट बॉडी जो होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसके बिल्कुल सेंटर में हमें मैग्नीशियम के एटम्स नज़र आते हैं। इन द केस ऑफ हीमोग्लोबिन वहाँ पे मैग्नीशियम रिप्लेस कर जाता है आयरन के साथ, तो वो ह्यूमन का ब्लड बन जाता है। तो क्लोरोफिल को हम प्लांट ब्लड कंसिडर करते हैं और हीमोग्लोबिन को हम ह्यूमन ब्लड जो है कंसिडर करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो प्लास्टिड्स के टाइप्स के रिलेटेड है। एक टाइप जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम पढ़ चुके हैं और दूसरी जो दो टाइप्स आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो उनमें से पहली टाइप है क्रोमोप्लास्ट और दूसरी टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ऊपर वाली जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है उसके अंदर कलर जो है वाजे तौर पर रेड नज़र आ रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स इंड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से इंड्यूस होते हैं। जैसे आप किसी फलदार पौधे को देखें तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर हिस्सा जो है ग्रीन का नज़र आएगा, जो कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल था उसकी वजह से ग्रीन कलर जो था इंड्यूस हुआ। लेकिन हम जब बात करते हैं इसके अलावा ग्रीन के अलावा जितने पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्रूट्स की अगर बात हम कर लें, फ्रूट्स का जो कलर है वो या तो येलोविश कलर होता है या फिर रेडिश कलर होता है या फिर इसके अलावा दूसरे कलर्स हो सकते हैं। तो ये जो कलर जिस प्लास्टिड की वजह से आए हैं उसको हम नाम देते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम देख लेते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग है। बुक के अकॉर्डिंग आपके लिखा हुआ है कि दे इम्पार्ट कलर्स, यानी कि वो कलर्स यानी कि वो रंग देते हैं अदर देन द ग्रीन, ग्रीन के अलावा। ठीक है, आप एप्पल की बात कर ले तो एप्पल का कलर जो है वो रेड है, या ऑरेंज की बात कर ले उसका कलर जो है ऑब्वियसली ऑरेंज है, और अगर आप मैंगो की बात करें उसका येलो कलर है। तो ये जो कलर्स हैं ग्रीन के अलावा ये सारे क्रोमोप्लास्ट ने डिवेलप करवाए हैं, और इनका फ़ायदा क्या होता है, दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स। पेटल्स जैसे किसी फ्लावर की पत्तियों को देखें उसका कलर, जैसे गुलाब की बात करें तो उसका कलर या तो पिंक होता है या रेड होता है, तो उसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपना कलर इंड्यूस नहीं करवा रहे, क्रोमोप्लास्ट करवा रहे हैं कलर इंड्यूस। फ़ायदा क्या होता है, देखिए दूसरी चीज़ ने लिखी हुई है, कहता है फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर हो सकता है या फिर राइपेंड फ्रूट्स के अंदर हो सकता है। राइपेंड कहते हैं पका हुआ, देखिए कच्चा जब फल होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, जैसे मैंगो की आप बात कर लें उसका कलर ग्रीन होता है, आप बात कर लें अमरूद की बात कर लें उसका कलर ग्रीन होता है जब वो राइप नहीं किया। ठीक है, जब वो पक जाता है उसका कलर जो है चेंज हो जाता है, तब वो जो है क्रोमोप्लास्ट उसके अंदर ज़्यादा डिवेलप हो जाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है दे हेल्प इन द पोलिनेशन एंड द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। देखिए पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स जितने भी हैं वो सारे फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम बीज की बात करें वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो वो जो अट्रैक्शन है वो भी क्रोमोप्लास्ट की वजह से इंड्यूस हुई है। तो फ़ायदा क्या होगा उससे, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के जाके ऊपर बैठेगी और अपने पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करवाएगी, तो इससे एक जो है नई वैरायटी आने का चांस होता है या फिर रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं इसको हम नाम देते हैं कि पोलिनेशन है ये। ठीक है, और इसके अलावा सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के अंदर भी ये रोल अदा करते हैं। तो काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग इसका रोल समझा जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स। ल्यूकोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो डायग्राम के अंदर आपको दो ये एक्चुअल ड्राइंग्स नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअल जो है इसकी डायग्राम्स हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर देखी गई हैं। तो यहाँ पे देखें कोई वाज़े तौर पे कोई कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट कलर है। ठीक है, तो इसको हम कलरलेस का जो है कंसिडर करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस। ठीक है, इनकी शेप जो है डिफरेंट वेरी करते हैं, जैसे नीचे देखें तो आपको ग्लोबुलर शेप नज़र आ रहे हैं, ऊपर देखें तो वो कुछ रैंडम पैटर्न जो है उसके अंदर नज़र आ रहे होते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं ट्राइंगुलर भी होता है, ये ट्यूब्यूलर
मॉड्यूलर भी होता है और इसके अलावा दूसरी शेप भी इसकी मौजूद होती हैं। अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। आपने कहना कि ये जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं उनके अंदर हमें ये नज़र आता है। जैसे आप किसी भी रूट्स की बात कर लें तो रूट्स से देखें, रूट्स कलरलेस तो एक्चुअली में नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो है एज सच कोई कलर भी नहीं होता, ब्राउनिश कलर होता है। तो ब्राउनिश कलर जो है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से नहीं है या क्रोमोप्लास्ट की वजह से नहीं है, तो ये बेसिकली कलरलेस कंसिडर किए जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट ऐसे हैं जो प्लांट की बॉडी को जो है कलर प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ये फूड को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड होती है इनके अंदर। तो रूट्स जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रूट्स ऐसी हैं जो फूड को स्टोर करती है। जैसे हम जो है अगर बात करें मूली की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर देखें हमें कोई वाज़े तौर पे कोई कलर नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन कैरेट की जब हम बात करें तो कैरेट के अंदर आपने ज़हन में रखना है कि उसका कलर क्या है, रेड कलर है, तो उसके अंदर ज़ेंथोफिल्स है, तो ज़ेंथोफिल क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट हम कलरलेस जो है कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का डिफरेंस, तो आपने इसको जो है अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।